हेलो गाइस, वेलकम द चैनल द CMA एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं PF एक्ट 1952 के बारे में, ठीक है। और आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। इससे पहले हमने अपील से पहले हम लोगों ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 7A पढ़ रखा था, और इससे पहले डिस्प्यूट वगैरह हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अगर आप अभी आए हैं ये लेक्चर देखने के लिए, लेक्चर नंबर 3rd जो हमारा आखिरी लेक्चर है इस एक्ट का, तो आपको नीचे दी हुई दो लेक्चर हैं, सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आपको इसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो PPT है। आज हम पढ़ेंगे अपील कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अपील करने के लिए सेक्शन सेवन सी में हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं एक बार आपको रिव्यू दे दूँ सेक्शन 7A और सेक्शन 7B के बारे में, ठीक। सेक्शन 7A क्या कहता है ये जान लेना चाहिए, ज़रूरी है कि ये डिटरमाइन ऑफ डिस्प्यूट है। सेक्शन 7A क्या कहता है, ये डिस्प्यूट डिटरमाइन करता है। सेक्शन 7A जो है वो डिटरमाइन करता है डिस्प्यूट को। सेक्शन 7B क्या कहता है, सेक्शन 7B, मैं बी बोलूँ समझ जाना आपको, ये 7B की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 7A बोलता है कि ये डिटरमाइन करता है डिस्प्यूट को, 7B बोलता है कि ये करता है ऑर्डर को रिव्यू करवाता है, रिव्यू ऑफ ऑर्डर, ठीक है। एंड सेक्शन 7C बोलता है कि स्केप्ड अमाउंट होता है, और सेक्शन 7D बोलता है कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर। ये 4 सेक्शन थे, 7A, 7B, 7C, 7D। 7A बोलता है कि हमें डिस्प्यूट को डिटरमाइन करना है, 7B बोलता है कि हमें रिव्यू ऑफ ऑर्डर करना है, 7C बोलता है स्केप्ड अमाउंट करना है, 7D बोलता है कि हमें अपील अगेंस्ट ऑर्डर करना है, ठीक है। अब 7A क्या बोलता है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर कोई हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो कोई भी एम्प्लॉय अप्लीकेशन लिख सकता है किसको, ऑथराइज्ड ऑफिसर को। किसको लिख सकता है, ऑथराइज्ड ऑफिसर को। और ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या करेगा, एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। तो कैसे लिखा जाएगा इसमें, विल कंडक्ट इंक्वायरी विथ एम्प्लॉइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या बोला, विल कंडक्ट इंक्वायरी विथ कंप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके बाद क्या आएगा, इफ एम्प्लॉय डज नॉट कंप्लाई एक्स पार्टी ऑर्डर कैन बी इशूड। अगर एम्प्लॉयर है अगर वो कंप्लाई नहीं कर पाता जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, या अगर कोई केस कर देता है एम्प्लॉयर के ऊपर, तो कोर्ट क्या करेगा, उसे जो डॉक्यूमेंट्स या उसके कोर्ट में आने के लिए बोला जाएगा। अगर वो सब नहीं कर पाता तो जो कोर्ट है एक्स पार्टी के ऑर्डर पास कर दी। एक्स पार्टी का मतलब होता है कि वो एक तरफा के ऊपर, मतलब एम्प्लॉय के ऑर्डर में वो केस पास कर देगा, ठीक है। एम्प्लॉय मतलब वो जीत जाएगा इसके। तो फिर और इसको अगर हमें रीओपन कराना है तो 7B बोलता है, 7B बोलता है इसे रिव्यू ऑफ ऑर्डर करने के लिए। इसमें क्या है कि एवरी पर्सन, कोई भी व्यक्ति इस केस को ओपन करवा सकता है, मतलब रिव्यू ऑफ ऑर्डर कर सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए कंडीशन, अगर वो एग्रीव्ड है ऑर्डर अंडर ऑर्डर 7A में, अगर वो एग्रीव्ड है अंडर ऑर्डर 7A में, वही ये पर्सन अप्लीकेशन में लिख सकता है किसको, ऑफिसर को। अब ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर के इसमें दो चीज़ें हो सकती है, अगर वो चाहे ये जो अप्लीकेशन वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। ऑफिसर एक्सेप्ट करेगा तो क्या करेगा, अगर वो एक्सेप्ट कर दिया तो उसे एक नया फ्रेश ऑर्डर पास करना पड़ेगा जो अंडर सेक्शन 7B में है। अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट फ्रेश ऑर्डर, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो अगर ऑफिसर चाहे उसे रिजेक्ट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है। रिजेक्ट करेगा तो क्या होगा कि नो अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट रिजेक्शन ऑर्डर, कोई भी अपील फाइल नहीं होगा रिजेक्शन ऑर्डर पे, ठीक है। ये मैंने हल्का फुल्का ओवरव्यू दे दिया सेक्शन 7A सेक्शन 7B के बारे में। अब आज हमें पढ़ना है सेक्शन 7C के बारे में, ठीक है। सेक्शन 7C क्या कहता है कि प्रोवाइड दैट द ऑफिसर कैन री ओपन द केस विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 7A और सेक्शन 7B इफ़ ही हैज़ रीजन टू बिलीव दैट बाई रीजन ऑफ
ओमिशन और फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। क्या कह गया, चलो इसे मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि मान लो कोई ऑफिसर है, वो चाहता है कि इस केस को रीओपन किया जाए विद इन 5 ईयर्स के अंडर में, तो कुछ अमाउंट प्रोवाइड होगा अंडर जो सेक्शन 7A और सेक्शन 7B के अंदर है, ठीक है। शैल बी प्रोवाइड बाई एम्प्लॉयर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हियर्ड। ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट बना दिया, ठीक है। अगर एम्प्लॉय को मतलब ऑफिसर को कोई नया एविडेंस मिलता है और वो ठोस एविडेंस होता है, इस तभी वो केस रीओपन करेगा जो सेक्शन 7C बोलता है, और 5 साल के अंदर में ही उसे ये केस रीओपन कर सकता है, ठीक है। अब आता है सेक्शन 7D क्या बोलता है। सेक्शन 7D प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ EPF अपीलांट ट्रिब्यूनल टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी अंडर सेक्शन 7A, सेक्शन 7C और 7B और 7C के अकॉर्डिंग। क्या होगा, चलो ये भी बताता हूँ मैं थोड़ा शॉर्ट में, कि कोई भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपीलांट जो प्रोविडेंट फंड अपीलांट ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 7D में, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो कि एग्रीव्ड है और एनी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में वो एग्रीव्ड है कोई भी व्यक्ति, तो वह एप्लीकेशन लिख सकता है ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल मतलब एक छोटा सा एक कोर्ट होता है, जो इंडस्ट्रियल लॉ के लिए एक कोर्ट होता है, उसे हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं, इसे हम NCLT बोलते हैं, ठीक है, ट्रिब्यूनल। और उसे क्या करने का, ओनली आफ्टर डिपॉजिटिंग 75% ऑफ द अमाउंट। क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयर होगा उसे 75% अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल क्या करता है कि उस जो एप्लीकेशन है उसे वो मॉडिफाई भी कर सकता है और रेफर बैक भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और रेफर बैक भी कर सकता है। एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, कन्फर्म एंड मॉडिफाई और सेट असाइड ऑफ द ऑर्डर। दूसरा, रेफर बैक द मैटर टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, अगर उसे लगता है कि इसका जो केस है वो ठीक है, मजबूत केस है और इसमें कुछ है गुंजाइश, तो क्या करेगा, वो उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई भी करेगा और वो ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है। अगर वो चाहता है कि नहीं, ये जो काम है ये ऑथराइज्ड ऑफिसर करना चाहिए, तो ये ऑथराइज्ड ऑफिसर ही करेगा, ठीक है। अब आता है अपील का दूसरा पॉइंट। अभी जो मैंने 75% बोला ना, वो यहाँ पे देखो है कि द ट्रिब्यूनल में रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपार्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड विद इन 5 ईयर। 5 साल के अंदर वो जो भी मिस्टेक रेक्टिफाई करना है ट्रिब्यूनल वो कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ अपील ऑर्डर, ठीक है। नो अपील बाय द एम्प्लॉयर शैल बी इंटर्न अनलेस द हैज डिपॉजिट विद इट 75% ऑफ द ड्यू फ्रॉम हिम। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा कि 75% डिपॉजिट अमाउंट कराएगा। द ट्रिब्यूनल कैन रिड्यूस द अमाउंट टू बी डिपॉजिट। और जो ट्रिब्यूनल क्या करता है, वो रिड्यूस भी कर सकता है डिपॉजिट अमाउंट को, ठीक है, 75% से कम भी कर सकता है। और आगे का पॉइंट क्या है, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एनी मेम्बर ऑफ द फंड शैल नॉट बी अटैच्ड। दूसरा, एम्प्लॉयर नॉट बी रिड्यूस वेजेस बाय रीजन ऑफ नॉट पेइंग द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। अब आता है पेनल्टी के बारे में, और यही हमारा लास्ट PPT है। पेनल्टी के कुछ 3-4 PPTs हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। कि एनी पर्सन हु नॉनली मेक एनी फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन शैल बी पनिशेबल विथ। अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोई गलती करता है, किसी भी गलती करता है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट में गलती करता है और वो रिप्रेजेंट करता है, तो वो पनिशेबल है। क्या क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंड 1 ईयर। वो जेल की यात्रा भी कर सकता है 1 साल से ज़्यादा के लिए भी, ठीक है। फाइन है 5,000 रुपये और बहुत, वो जेल की यात्रा भी कर सकता है और 5,000 रुपये भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे ट्रिब्यूनल के ऊपर या जो अथोराइज्ड ऑफिसर है उसके ऊपर करता है, या उसे जेल की यात्रा कराएगा या फिर उसे 5,000 की फाइन देगा। दूसरा क्या आता है कि एन एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रवेंस एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 विथ रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ इंस्पेक्शन चार्जेस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस शैल बी पनिशेबल विथ, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म वीक में एक्सटेंट ऑफ 3 ईयर्स, बट जो इम्प्रिजनमेंट है वो
एक्सटेंड हो सकता है 3 साल तक के लिए, ठीक है। विच शेल नॉट लेस देन 1 ईयर एंड फाइन 10,000 इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब क्या है कि अगर एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन में डिफॉल्ट करता है तो क्या होगा कि उसे 10,000 रुपये और मतलब फाइन देगा और इम्प्रिजनमेंट कम से कम 1 साल तक, 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा हो जाए चलेगा। तो ये इसके लिए कंडीशंस हैं, ये भी पेनल्टी के। दूसरा, वी शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ एंड फाइन 5,000 इन केस ऑफ अदर केस। इन केस के अलावा मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के डिफॉल्ट के अलावा अगर दूसरा कोई केस होता है तो 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की यात्रा और दूसरा 5,000 रुपये फाइन। अदर केस होता है तो 6 महीने की जेल की यात्रा, मतलब 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, 6 महीने ज़्यादा होनी चाहिए जेल की यात्रा, या फिर 5,000 रुपये अगर कोई दूसरा केस हुआ तो, ठीक है। दूसरा मतलब दूसरा क्या पॉइंट बोलता है कि एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस द स्कीम एंड द पेंशन स्कीम और द इंश्योरेंस स्कीम शैल बी पनिशेबल। अगर कोई पेंशन स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम में कोई डिफॉल्ट होता है तो उसके लिए पनिशेबल है हर व्यक्ति, एनी पर्सन जो भी ये कॉन्ट्रावेंशन करता है स्कीम में, क्या जेल की यात्रा होगी विन टर्म ऑफ 1 ईयर, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, जेल की यात्रा होगी कम से कम 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, फाइन होगा 4,000 रुपये और उसे एक्सटेंड भी हो सकता है, और दोनों लग सकते हैं, बहुत दोनों लग सकते हैं, जेल की यात्रा भी हो सकती है, 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, 4,000 रुपये से ज़्यादा भी हो सकता है, 4,000 रुपये तक भी फाइन लग सकता है, और दोनों हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि अदर केस, इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ बट विच नॉट लेस देन 1 मंथ। मतलब जो अदर केस कोई है, अगर कोई दूसरा केस है इसके अलावा, मतलब इंश्योरेंस पेंशन केस के अलावा कोई दूसरा केस है तो 6 महीने या फिर 1 महीना, लेकिन 1 महीने से कम नहीं, 1 महीने से कम नहीं होना चाहिए जेल की यात्रा, तो इतना इम्प्रिजनमेंट जेल में जा सकता है। दूसरा, फाइन 5,000 रुपये एक्सटेंड टू 5,000, ज़्यादा ज़्यादा 5,000 रुपये तक उसको हम फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। अब आता है पेनल्टी का 5वां PPT, क्या बोलता है, इन केस ऑफ कंपनी एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, अगर कोई कंपनी में कोई भी ऑफिसर डिफॉल्ट करता है, चाहे वो MD हो, मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो एंड एक्सेट्रा, कोई भी ऑफिसर हो जो कंपनी का है, विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। इफ सच अ प्रूव that the offense was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to the prevent the offense, then he shall not be liable, ठीक। तो आज हमारा PPT यहीं ख़त्म होता है, मतलब हमारा जो प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट था वो ख़त्म हो गया, और अब हम पढ़ेंगे इसके बाद फैक्ट्री एक्ट। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा फैक्ट्री एक्ट के बारे में होगा। तो चलिए यहीं पे हम अपना पूर्ण विराम करते हैं। अगर आपको आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ये वीडियो भेजिए। और एक बार बताना, दोबारा बताता हूँ कि जो पिछले 2 लेक्चर हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसका जो शॉर्ट नोट्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।